प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। चुनाव नतीजे के बाद दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की छवि नष्ट हो गई है, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई है। राहुल ने कहा बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की विचारधारा चरमरा गई है। औरंगाबाद के नवीन नगर में श्रेया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि इन दोनों सोशल मीडिया में श्रेया हत्याकांड मामला बहुत गर्माया हुआ है। हर तरफ इसके खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन और जुलूस प्रदर्शन किया जा रहा है और दिन पर दिन यह मामला उलझता जा रहा है। हर दिन लोग इसके खुलासे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। नतीजे के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। इस बीच मंगलवार को कम ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूचबिहार पीपुल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी राज्यसभा सांसद नगेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान बीजेपी सांसद ने अपने आवास पर ममता बनर्जी का स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इन दिनों साइबर ठगी और उससे जुड़ी कई मामले सामने आते रहते हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है, फिर भी साइबर अपराधियों को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बिना अपनी हरकतों से बाहर जाते हैं और नहीं अपराध कम करते हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल से आया है, जहां इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के माध्यम से आईफोन कम कीमत पर बेचने के नाम पर ठगी करने वाले संगठित गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में पानी संकट गहराता जा रहा है, इसको लेकर आए दिन वाद विवाद का सिलसिला जारी रहता है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ बीजेपी एमपी योगेंद्र चंदौलिया और पूट खुर्द ने, पार्षद बीजेपी पार्षद अंजू अमन कुमार ने आउटर दिल्ली डीसीपी से शिकायत की है। साथ ही इस मामले को में मुकदमा दर्ज करने के लिए भी मांग की है। बाबर आजम इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बाबर आजम सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम बहुत खराब प्रदर्शन करने के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इस बीच कप्तान बाबर आजम पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने हमला बोला है। सहवाग ने कहा कि अगर पाकिस्तान की कप्तानी बदलती है तो फिर बाबर आजम की टीम में जगह भी नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय आलोक ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजय आलोक ने कहा कि प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं, हालांकि उनके लिए वायनाड से चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। अगर प्रियंका गांधी गलती से जीत भी गई तो 10वीं संसद काफी दिलचस्प होने वाली है। लोकसभा में भाई बहन के बीच ज्यादा नकारा कौन है, इस पर प्रतिस्पर्धा होगी। ये समस्या कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी की नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अकोला में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने नाना पटोले का पैर धोया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कार्यकर्ता का नाम विजय गौरव है और वह बुलढाणा जिले के शेगांव का रहने वाला है। 90 के दशक में एक से बढ़कर एक गाने गाने वाली बॉलीवुड को देने वाली फेमस सिंगर अलका याग्निक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि अलका याग्निक रेयर डिसऑर्डर का शिकार हो गई हैं और उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। अलका याग्निक ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी। सभी सिंगर के फैन और तमाम सेलेब से जल्द ही ठीक होने की कामना की। T20 विश्व कप 2024 में अफगानिस्तान को करारी हार मिली, उनसे वेस्टइंडीज ने 104 रनों से रौंदा है। बता दें कि अफगानिस्तान का अगला मुकाबला भारत से होगा। भारत के खिलाफ मैच से पहले उनकी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, इस वजह से अफगानिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अफगानिस्तान की बॉलिंग काफी अच्छी है, लेकिन बैटिंग के मामले में वह भारत के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भोपाल आए। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने 100 से ज्यादा मंच बनाए थे और शिवराज सिंह चौहान पर फूल बरसाकर उनका आदर सत्कार किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वागत में जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं जानवरों ने भी स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झारखंड वासियों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम अपना रुख बदल सकता है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। इसके दौरान हल्के और मध्यम दर्ज में बारिश भी हो सकती है, साथ ही वज्रपात की भी आशंका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। बता दी कि देश के करीब 9.3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 17वीं किस्त के 2000 डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यह किस्त का पैसा जारी करेंगे। किसानों को अपने खातों को हमेशा चेक करते रहना होगा। बताया गया कि जिन किसानों का नाम पीएम किसान योजना की सूची में दर्ज है उन्हीं के खातों में से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। भोपालपुरी के अवधपुरी में पहली बार फादर्स डे के अवसर पर एक शाम माता पिता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगीत कलाकारों ने माता पिता को समर्पित एक से बढ़कर एक शानदार लोक गीतों की प्रस्तुति की। वही वुमेन्स एरा थीम रैप वॉक कर अपने माता पिता की सेवा का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा क्रांति रोटी बैंक संस्थान द्वारा किया गया था। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष रिंकू ओझा ने बताया कि भोपाल में माता पिता के लिए पहली बार सुप्रसिद्ध नटराजन नृत्य ग्रुप के मॉडल ने रैप वॉक किया। नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। नीतीश कुमार ने शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया है। यह काम अभी भी जारी है। नीतीश कुमार का टारगेट है कि सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगे। इसी को देखने के लिए दूसरे राज्यों के अधिकारी बिहार आ रहे हैं।